अमिताभ बच्चन का एक NFT 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के co-founder हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का NFT बनाकर उसको $2.9 million में बेचा है। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फीज का NFT कलेक्शन बनाकर $1 million कमाए। इसके साथ साथ बीपल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्टवर्क को NFT की फॉर्म में बेचकर $69 million कमाए। ऐसी काफी सारी न्यूज हम रोज सुनते हैं जिसके अंदर NFT शब्द यूज होता है और हमारे दिमाग में आता है कि ये जो बिल्लियों के जिफ्स बिक रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, ये NFT का मतलब होता क्या है। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि NFT का एक्चुअली मतलब क्या है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल, एक ऐसी चीज जिसको सिमिलर चीज के साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कोई खास बात है, उसके अंदर कोई यूनिक चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2000 का नोट है। अब वो 2000 का नोट किसी को देकर अगर हम 400-500 के नोट ले लेते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई, हमने उस 2000 के नोट को 400-500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके की चीजों को, मतलब उस 2000 के नोट को, उस 500 के नोट को हम फंजिबल कहते हैं। लेकिन अगर हम एक मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें, वो घर एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलेंगे हमारा घर ले लो जी और अपना घर दे दो, इक्वल ही तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो वो म्यूजियम कह रहा है कि हमारी ये पेंटिंग ले लो, आप अपनी दूसरे वाली जो आपने पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की वो हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में यूनिक आइटम्स है, तो इनको हम कहेंगे नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम्स यानी जिनको सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है। अब यूजुअली क्या होता है, अगर सिमिलर ब्रांड्स के पेन है तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, इसीलिए वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को कहूंगी कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो इस तरीके से वो पेन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज, मेरे लिए नॉन फंजिबल है। तो इससे हमें मोटा मोटी समझ में आया कि जब भी हम NFT की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरी सिमिलर चीज के साथ। अब बात करते हैं कि टोकन का क्या मतलब होता है NFT। तो जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम उसमें लिखा होता है, वो पूरा प्रॉपर अग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पे, वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ ओन करते हैं, मान लेते हैं हमने कोई गाना बनाया है, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है, कोई हमने ट्यून बनाई है, हमारा कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा था बास्केटबॉल का, उसकी हमने एक छोटी सी क्लिप ली है डिजिटली, तो इन सारी चीज़ों पे अगर हमें प्रूफ चाहिए कि ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में हम ही ओन करते हैं, हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, तो उस प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा, जैसे घर की रजिस्ट्री के कागजात को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, यानी उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है, हमारे लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, जजेस अगर कोर्ट केसेस हो जाते हैं तो उसको मानते हैं पेपर की फॉर्म में। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन है इसको कौन ट्रैक करता है, इसको ट्रैक करती है पब्लिक, किस फॉर्म में, ब्लॉकचेन की फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन या डॉज कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड हैं। अब ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम डिटेल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना वो पब्लिक रखती है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, तो पैसे भेजने के लिए सबसे पहले अगर मैं UPI कर रही हूँ, मान लीजिए मैं Paytm से भेज रही हूँ या फोन पे से भेज रही हूँ, तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है 1000 रुपए का, तो पहले मेरा बैंक क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, फिर अगर पैसे होंगे तो वो मेरे दोस्त को भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा कि पैसे आए या नहीं, अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक में 1000 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शन का काम है ये एक बैंक कर रहा है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस से मुझे बैंक को हटाना हो और मैं चाहती हूँ कि ट्रांजैक्शन का काम मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मैनेज कर लें, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन की मदद से क्या हो गया है कि जब भी हमें कुछ ट्रांसफर करना होता है तो उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड सारे के सारे लोगों को दिखता है जो उस ब्लॉकचेन पर है।
जैसे मान लीजिए अगर 10 लाख लोग उस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हर किसी के कंप्यूटर में मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपए भेजे, ये ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। तो इसकी वजह से पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन असली हुआ है। इसीलिए ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है और बैंक वाली चीज़ जो है वो यहाँ से कम्प्लीटली हट जाती है। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह अपने टोकन्स लेकर आ जाएं, यानी मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क, अपने आप से कोई ड्राइंग बनाई जो डिजिटली है, तो मैं क्या करूँगी, उसका एक NFT ले लूँगी। उसके NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब हुआ कि मैंने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये मेरी है और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस NFT को मैं कहीं बेचना चाहती हूँ, तो अब मैं किसी और से कुछ करेंसी ले लूँगी और इसको उसको बेच दूंगी, और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो मेरी ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी NFTs काम करते हैं। आजकल काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कहीं किसी से लाइसेंस ले रही हैं, म्यूजिक कंपनीज से या फिर कुछ एक्टर्स से लाइसेंस ले रही हैं ताकि उनके वो NFTs बनाकर बेच सकें। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने NFTs बनाकर बेच सकते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसे स्पेस में हैं कि आप कुछ आर्टवर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक NFT बनाकर इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो हमें पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।